नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। गणतंत्र दिवस के मौके पर सिवान के सदर अस्पताल में प्राउड इंडियन सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपना रक्तदान किया। इस दौरान कुल 22 लोगों ने अपना रक्तदान किया। प्राउड फाउंडेशन सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा ही सामाजिक कार्य करता रहता है। ट्रस्ट ने हाल ही में ठंड को देखते हुए कंबल और अलाव का व्यवस्था भी की थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस रक्तदान शिविर में कई सारे ऐसे युवाओं ने भाग लिया जो अपने जीवन का पहला रक्तदान कर रहे थे। वहीं ब्लड डोनेशन कैंप में डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम का भी भरपूर सहयोग रहा। उस मरीज की जान बचाते हैं जिसको खून की कमी होती है, और इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी करें, किसी भी धर्म में हो आप, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। आप एक खून के कमी वाले पेशेंट की जान बचाते हैं। आप सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन आप ब्लड खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ही बनता है। आप पैसे दे के आप इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। कोई भी दवा हम खरीद सकते हैं लेकिन खून नहीं खरीद सकते हैं। वो कोई अपना दान करेगा तभी हम कर सकते हैं। तो अब ब्लड डोनेशन से जो लोग डोनेट करते हैं उनको भी बेनिफिट है, फिजिकली वो फिट रहते हैं। प्लस इसमें हम लोग 6 बीमारियों को चेक करते हैं। सपोज आपने ब्लड डोनेट किया और आपके 6 बीमारी चेक किए जाएंगे, जिसमें आता है आपका ग्रुपिंग भी कर ली जाती है, साथ ही एंटी वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और मलेरिया, ये सब चीज़ का जांच भी हो जाता है। तो ये भी पता चलता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। प्लस आप फिजिकली फिट रहते हैं। और साल में अगर आप 2 बार डोनेट करते हैं, वैसे कहता है कि हर 3 महीने पे करना चाहिए, 4 भी, लेकिन 2 बार करना, आप फिजिकली फिट और हेल्दी रहते हैं। चाहते आप अपने खुद ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप किसी को 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन अपने जीते जी अपने बॉडी का पार्ट जो डोनेट करना, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो ब्लड डोनेशन सबसे अच्छा और सबसे पुण्य का काम करते हैं। आप भी फिट रहते हैं, साथ में जिसके लिए डोनेट कर रहे हैं वो भी स्वस्थ रहता है। थैंक यू सर। प्राउड इंडिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से हमारे जितने भी ग्रुप के मेम्बर्स यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इससे बड़ा सराहनीय कार्य हो ही नहीं सकता है। हमारी जो खून है, हमारी जो रक्त है, अगर किसी के रगों में बहता है, इससे पुण्य काम हो ही नहीं सकता है। हम लोग स्वतंत्र दिवस के अवसर पे ये प्रोग्राम रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने बिल्कुल जागरूक तरीके से यहाँ पे आए और निष्पक्ष तरीके से अपना जो भी ब्लड रक्तदान शिविर लगाए थे हम लोग, उसमें भाग लिए और बहुत ही सराहनीय काम है। हम तो बोलेंगे कि जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग आए और आगे आए और अपना रक्तदान करें। हम लोगों को 2 दिन पहले खबर मिली कि यहाँ ब्लड डोनेशन होने वाला है प्राउड इंडियन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, तो हम लोग उसको बोले कि चलो चल के ब्लड डोनेट करते हैं, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है, रक्तदान महान। हम लोग गोपालगंज से आए हैं, नवादा परसौनी गाँव से जी। हम याओ से हम यही बोलना चाहेंगे कि भाई आप लोग आगे बढ़ें, दान करें, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे लिए भी फायदेमंद है और कुछ गरीबों को क्या होता है, तो बहुत वक्त में ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है, उन लोगों को खरीदने से भी नहीं मिलता है, बहुत ब्लैकमेलिंग भी चलता है। इससे अगर ब्लड बैंक में उपलब्ध रहेगा तो सबके लिए आसानी है, आसानी से मिल सकता है। इससे हम सबसे बोलेंगे भाई आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। मेरा नाम सैफ अली है, और ब्लड डोनेशन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है ब्लड डोनेट करके, और इससे कई सारी बीमारियाँ वगैरह नहीं होती है, बहुत एनर्जी लेवल आपका हाई होता है। और हम प्राउड इंडियन ट्रस्ट एंड वेलफेयर के मेंबर भी हैं, और हमको दे करके रक्तदान बहुत अच्छा लगा, रक्तदान कर कर, ठीक है, ओके, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा प्राउड इंडिया टीम को, और काफ़ी सराहनीय काम है ये। मतलब कि आज 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा मतलब देश में रिपब्लिक कहा जाता है, गणतंत्र लागू हुआ, और उस दिन मतलब ये ब्लड डोनेट करना, ये अपने आप में ही नहीं मतलब पूरे देश के लिए, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और एक मतलब ये सिर्फ प्राउड इंडिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये उन मतलब कह रहा हूँ कि जो ब्लड डोनेशन है, जो ब्लड डोनेट किया गया है, ये मतलब बहुत बड़ा रक्तदान जो होता है वो महादान होता है, कहा जाता है महादान होता है। इससे बड़ा मतलब देश के लिए जो सेवा है, इससे बड़ा सेवा नहीं हो सकता है। उसमें क्या है, निडी लोगों को उसमें हेल्प मिलता है ब्लड डोनेशन के थ्रू में। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं,
बहुत सारे युवा टीम आई हुई है। तो मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो जहां मेरे माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से जहां भी जा रहा है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमारे टीम से जुड़े हैं, आए हैं प्राउड इंडिया से जुड़े हैं, यहां सभी मतलब अच्छे लोग हैं और सब मतलब समाज सेवा करते हैं। बस थैंक यू, धन्यवाद। उफरान मुजीब, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमारे कैंपेन को कवर करने के लिए आए हैं। हमारी जो संस्था है प्राउड इंडियन सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका मकसद है कि आम जन तक, वो जन जो किसी भी तरह के सहयोग से अछूता रह गया, उस तक पहुंचना, जो वंचित तबका है वहां तक पहुंच के उसको मदद करना। इसके पहले हमारे ट्रस्ट ने जो है सर्दियों में अलाव की व्यवस्था की थी, बहुत सारे कंबल्स और गर्म कपड़े बांटे थे हमने। और हमारे ट्रस्ट के लोगों के हिसाब से जो हमने मीटिंग की, तो आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, बहुत बढ़िया दिन है। एक देश के देश की जितने भी हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ी आज़ादी की, संविधान के राज स्थापित किया, तो उस मौके पर हम लोगों ने आज ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पे ब्लड बैंक में लगाया है। ये एक ऐसी चीज़ है, ब्लड जैसी चीज़ है जो आपको कभी कभी बहुत पैसा होने के बाद भी नहीं मिल पाती है। लोग जो है मरीज जो है ब्लड के अभाव में डिलीवर्ड, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट होते हैं, वो मर जाते हैं। तो हमारी जो संस्था है इस मामले में आगे आई है, जो हमारे साथ युवा लोग जुड़े हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं आज भी, और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे कैंप लगाते रहेंगे। और कैंप के अलावा कॉल पे भी हमारी टीम जो है अवेलेबल रहेगी कि हम ब्लड की जो कमी है उसको एटलीस्ट अपने शहर को मुक्त कर सकें। मौका दीजिए अपने खून को किसी के रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिसमें जिंदा रहने का। आज प्राउड इंडियन सोशल एंड फेयर ट्रस्ट फेयर के ट्रस्ट के माध्यम से आज रक्तदान शिविर लगा है गणतंत्र दिवस पर। आज एक बूंद हमारे देश के नाम, अगर हमारे एक यूनिट ब्लड देते हैं तो अगर हम उस मरीज वैसे मरीज को बचाई जा सकती है जो लाचार हो, तो आप लोग भी इस माध्यम से रक्तदान करके किसी का जीवन बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आज प्राउड इंडियन की तरफ से कि ये लोग रक्तदान शिविर लगाए हैं और लगातार सुबह से रक्तदान शिविर हो रहा है, रक्तदान लोग कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद भी है रक्तदान करने, आगे भी रक्तदान की प्रक्रिया जारी है। सबसे पहले तो प्राउड इंडियन जो सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, हम उसकी तरफ से सभी लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं और तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि सभी लोग, जिन लोगों ने भी रक्त शिविर में हमारे योगदान दिया है वो बड़ा सराहनीय काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस जो आज का हम लोगों ने झंडा अपना बुलंद किया है आज़ादी का, इस महापर्व पर इस तरीके से रक्त का जो महादान हम योजना इस प्राउड इंडियन के सेक्रेटरी सरफराज आलम ने जो ये काम किया है, एक बड़ा मुहिम चलाया है, ये उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ प्राउड इंडियन के सभी लोगों की तरफ से और सारे टीम के लोगों की तरफ से, धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं प्राउड इंडिया जो ट्रस्ट है उसका एक मेंबर हूँ। और सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा उन सभी लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है ब्लड के लिए, ब्लड का। तो और मैं जो भी यंग जनरेशन है उनसे खास करके अपील करूँगा कि आप लोग सभी आएँ और जो है इस ब्लड कैंप में ब्लड डोनेशन करें। इससे क्या होता है कि अपने बॉडी के लिए भी फ़ायदा है और प्लस दूसरे को भी हेल्प होती है। जी, मेरा नाम शेख आजम सिद्दीकी है, मैं गोपालगंज से हूँ, मेरा घर नवादा परसौनी है, ऊँचिया गाँव ब्लॉक में आता है, और मुझे बहुत खुशी हुई अपना ब्लड डोनेट करते हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी जो अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो इसमें आए और हिस्सा लें और अपना रक्तदान दें, ताकि हमारा हर एक खून का कतरा हर एक भाई के काम में आए जो इस खून के हकदार हो। तो हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएँ, अपना ब्लड दें।